कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन से मरा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का तनासब है। दूसरे अल्फाज में यह सॉल्यूट की मकदार की सॉल्यूशन की मकदार से या सॉल्वेंट की मकदार की सॉल्वेंट की मकदार से निस्बत है। सॉल्यूट की मकदार की सॉल्वेंट की मकदार से निस्बत है। ये बात ज़ाहिर है कि कंसंट्रेशन के अनुसार सॉल्यूशन की कुल मकदार या कुल वॉल्यूम पर नहीं होता, मिसाल के तौर पर सॉल्यूशन की एक बड़ी मकदार में से लिए कि थोड़े से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वही होगी जो सारे सॉल्यूशन की होगी। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ साम के यूनिट इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से एक यूनिट की वजाहत की गई है, परसेंटेज। कंसंट्रेशन की परसेंटेज यूनिट का तल्लुक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की परसेंटेज मकदार पर होता है। सॉल्यूट की ये परसेंटेज सॉल्वेंट के मास या इसके वॉल्यूम पर ज़ाहिर की जा सकती है। इस लिहाज से कि सॉल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन ज़ाहिर करने के चार तरीके हैं। पहला, परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय मास परसेंटेज। सॉल्यूट की ग्राम में वो मकदार जो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में हल हो, परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय मास कहलाती है। मिसाल के तौर पर एम डिवाइडेड 10% एम डिवाइडेड बाय एम शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम पानी में हल करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया है। इस नस्बत की कैलकुलेशन दरअसल फार्मूले से की जाती है। परसेंटेज मास ऊपर है सॉल्यूट का मास, नीचे है सॉल्वेंट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय एंट्रोड, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाई बाय एंट्रोड। परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट की वो की ग्राम में वो मकदार जो 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हल हो, परसेंटेज मास वॉल्यूम कहलाती है। मसलन 10% मास वॉल्यूम शुगर के सॉल्यूशन से मुराद है 100 ग्राम शुगर को पानी में हल कर 10 ग्राम शुगर को पानी में हल कर 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया गया। इसमें सॉल्वेंट का असल वॉल्यूम नहीं होता। परसेंटेज मास डिवाइडेड वॉल्यूम इक्वल टू सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, सॉल्यूट के वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब में वो मकदार सॉल्यूशन के 100 ग्राम में हल हो, परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइडेड मास कहलाती है। मिसाल के तौर पर 10% वॉल्यूम पर मास है अल्कोहल के सॉल्यूशन से मुराद ये है कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल को पानी में हल करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का मास मद्देनजर रखा जाता है, वॉल्यूम नहीं। सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम मास। परसेंटेज वॉल्यूम वॉल्यूम सॉल्वेंट के वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में वो मकदार जो सॉल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में हल हो, परसेंटेज वॉल्यूम तकसीम वॉल्यूम कहलाती है। मिसाल के तौर पर 30% वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से मुराद है कि परसेंटेज के 100 सेंटीमीटर में अल्कोहल के 30 सेंटीमीटर क्यूब बाल में है। परसेंटेज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बराबर सॉल्यूट का वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर 15 सेंटीमीटर क्यूब एस्ट्रोन पानी में मिला कर कुल 90 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन तैयार किया गया तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करने इस आवाज़ फार्मूला इस्तेमाल होगा। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम,
सोल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड सोल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड, तो पाँच डिवाइडेड बनो बाई मल्टीप्लाई हंड्रेड बराबर पाँच के पाँच परसेंटेज।